गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज जल्दी उठ गए हम। इट्स 7:25 इन द मॉर्निंग और निकल पड़े हम जिम के लिए। सो कल व्लॉग नहीं कर पाए, बहुत सारा काम आ गया था। सो शाम को जिम भी नहीं जा पाए कल। सो आज सुबह जल्दी जाएंगे, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, ड्रिजलिंग ठंडी है। सुबह जल्दी, मतलब उतनी तो नहीं लग रही, मैंने वेदर चेक नहीं किया है, बट आपको दिख सकता है तो फॉगी और ड्रिजल जैसा, बट इट्स टू फॉगी। जय श्री कृष्ण बताने अने बताने नवरात्रि नी खूब खूब शुभेच्छाओ। इंडिया में नवरात्रि आज से शुरू, सो आई होप सो पीपल सेफली नवरात्रि खेले एंड एन्जॉय इट। द कलर्स, मतलब मोस्टली अब हमें अटायर्स दिखेंगे कलरफुल, होप सो स्टेटसेस देखेंगे हम थोड़े खुश होंगे। यहाँ पे भी मैं ट्राई करूँगा कि कहीं पे नवरात्रि इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो सेलिब्रेट होगी। सो वीकेंड्स पे विज़िट करेंगे एंड सी यहाँ पे कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। गरबा होगा, सब कुछ होगा, तो हम सब कुछ करेंगे आपके लिए। और एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं ब्लॉग्स पे। चेतना आंटी तुमने स्पेसिफिकली, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। हाँ तुम यहाँ हो अपने साथ बधु एन्जॉय करसु मिसल पाव बधु। फेवरेट स्टोर इट्स ओपन, हो 7 बजे ओपन हो जाता है वीकडे पे, दैट्स गुड। मतलब अभी दूध ख़त्म हुआ और सुबह में जल्दी निकला तो आई कैन गेट इट। नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो रूटीन मॉर्निंग, पहली बार मैं इतना जल्दी उठ के यहाँ पे बाहर निकला हूँ, फर्स्ट टाइम। जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ पे सिग्नल है, ओ ये लेफ्ट। आपको इतना फॉग नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन या बहुत फॉगी है, तो मुझे वो सामने की बिल्डिंग बेयरली दिख रही है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही होती। तो पहले करेंगे जिम, उसके बाद फ्रूट्स घर पे ख़त्म हो गए तो फ्रूट्स लेने हैं, हमें वेजीज भी लेने हैं क्योंकि घर पे खाना बनाने अब कुछ नहीं है, नहीं तो राइस एंड दाल ही खाना पड़ेगा हमें। तो उतना कुछ वेजिटेबल्स भी लेना है तो सब्ज़ी खा सके उसकी वजह से। तो नॉर्मल डे प्लान आज का यही है, वो जिम ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद काम पे लग जाएंगे। I could understand.
डन गाइस। या मोस्टली आज वेदर बहुत बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग अलॉट, ठंड थोड़ी कम है, बारिश है। बस को जाने देते हैं, फिर हम जाएंगे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, मैं अकेला ऐसा फोटो लेके घूमता हूँ, एक गिम्बल लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन फाइनली है व्लॉगिंग करना है तो करना है। लोग बहुत मुड़ के देखते हैं, मतलब कैमरा में देखते हैं क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ओके सो आज का शेड्यूल, फर्स्ट चेकलिस्ट डन, हम सुबह जल्दी उठे, यस जल्दी उठे, एंड जिम हो गया हमारा। जिम में एक हादसा हुआ था, घर पे आके थोड़ा झगड़ा भी होगा उस पर, थोड़ी अनबन होगी, लेकिन चल जाएगा। आई थिंक इट वॉज माई मिस्टेक समवेयर, मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी प्रॉपरली संभालनी होगी। अदर देन दैट बहुत प्लीजेंट है आज का। मोस्टली 8 बजे तक तो शॉप्स खुल जाते हैं, 8:30 हो गया, आई गेस 9 बजे तक सब खुल जाता होगा। बट अगर आपको कुछ ग्रोसरीज लेनी है या डेली एसेंशियल्स लेने हैं तो वो सब स्टोर्स मोस्टली खुल जाते हैं 8 o'clock तक। 7 o'clock को तो सेंसबरी खुल गया था। सो हाँ, अर्ली मॉर्निंग, अच्छा तो ये लोग का एक्चुअली एंथम ही हुआ ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इंडिया में अलग है भाई, गो टू बेड आफ्टर 10 एंड रेस फ्रॉम बेड आफ्टर। वेट का पैंट मध्ये कमी वाटतंय, चावी आहे नंतर विचार केला, अरे आपण काहीतरी घेणार, तर मग आपण कार्ड होल्डर घेतलाच आहे, आणि मग असं एक्सरसाइज करतोय असा खाली गेला ना, तर इकडे का काही नाही, अरे बापरे कार्ड होल्डर गेला, आणि जी माझी फाटली ना लगेच विचारलं, बापरे बीआरपी आहे त्यामध्ये, आपले कार्ड आहेत, नंतर लगेच मी पहिलं जिथे बॉटल ठेवली ना जाऊन तिकडे पळत गायला, इकडे पण नाही, लगेच खाली गेलो, जॅकेट घातला आणि तुला कॉल केला की बाबा आहे की नाही घरी, तू बोलली नाही, अजून फाटली आता तर लागली आपली, आपल्याला आता किती खूप झालं, पहिला कार्ड ब्लॉक करा, हे करा, पहिला कार्ड तर ब्लॉक करायचा, त्याचं जाऊ दे, पहिला बीआरपी साठी परत माझ्या त्रास झाला असता, परत हे करा, मग नंतर हे गेलं, त्या ट्रेडरला विचारलं, डीड यू फाउंड एनी कार्ड होल्डर ओव्हर हियर, आतमन गेला लगेच त्याने आणलं, हा बघितला राहून रिटलं, एवढं रिलॅक्स वाटलं ना, हा म्हणून म्हटलं बॅग घेऊन जायची, नाही आता मी आता ठरलो आहे बाबा ह्याच्यातून मोबाईल मधून माझा पे होतो, मोबाईल ऍपल वॉलेट मध्ये ऍड केला, आता घेऊन जाणारच नाही काहीच, अशी फाटली ना माझी, लिटरली गेलो, अरे यार सकाळी काय टेन्शन आलंय, मला तेच वाटलं, मी हिला बोलून आता मला वाटलं जर घरी असेल ना तरी तू काय म्हणणार होता की नाही इकडे, म्हणजे असं वाटलं झोपेत असणार ना, मी तेवढी झोपेत होती, मला तर काही कळतही नव्हतं, बरं झालं मी त्यांना विचारलं त्याला, तो ये रेड रेड कलर देख के आपको क्या लग रहा है, रेड तो यूट्यूब का कलर है, जी हाँ हमें आया है नहीं YouTube से कुछ नहीं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हमें पर्क्स भेजे हैं, हमने मेंबरशिप ली है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो दिस आर देयर गुडीज, तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस हमें मिला है इसमें एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का मफलर,
एक मेरा बटन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक बीनी, आप देख सकते हो ये पर्क्स होते हैं ऑफ बाइंग ए मेंबरशिप। तो हमें होम मैच टिकट्स मिल जाएंगे, फिर और बहुत सारे पर्क्स हैं फ्रॉम बाइंग ए मेंबरशिप। आपको व्लॉग दिख जाएगा जब हम मैनचेस्टर यूनाइटेड जाएंगे, ओल्ड ट्रैफर्ड विजिट करेंगे कभी ना कभी, हम ट्राई कर रहे हैं मैचेस का टिकट लेने का, तो मिल जाएगी उस दिन आपको वो ब्लॉग भी दिख जाएगा।